हम उन इडियम्स एंड फ्रेजेस पर काम करेंगे आज जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे आ चुके हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पेपर से मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है, एक्चुअल में क्या होता है एग्जाम्स में रिपीट होती रहती है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों इनको याद मैं करा दूंगा, सिर्फ आप इनको देखते रहिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं, पहले यहाँ देखो ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब ये होता है कि कोई भी दिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं एन इंपॉर्टेंट डे, यानी ए रेड लेटर डे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू मेक गुड, इसका मतलब होता है कि टू रिपेयर। जैसे मैंने कहा कि आई एम मेकिंग गुड योर साइकिल, मैं तुम्हारी साइकिल को क्या कर रहा हूँ, रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेक गुड का मतलब होता है रिपेयर करना। बस आपको हिंदी याद नहीं करनी है इसकी, क्योंकि वो इंग्लिश में ही ऑप्शन उसका आता है, तो हिंदी याद करने से हमें कोई फायदा नहीं है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश मेक गुड मतलब रिपेयर करना। नेक्स्ट देखिए मिस द बस, अब देखो मिस द बस का मतलब होता है टू टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, किसी भी अवसर को खो देना, उसको बोलते हैं मिस द बस। और मैंने आपको पिछले वाले एक इडियम्स एंड फ्रेजेस बताया था मिस द मार्क, अब मिस द मार्क का मतलब होता है कि आप जब फेल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिस द मार्क। और मिस द बस का मतलब होता है कि टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखिए बैकआउट, बैकआउट का मतलब होता है टू ब्रेक अ प्रॉमिस, आपने जो वादा किया है उस वादे को यदि आप अपने वादे से पीछे हट जाते हैं, मुकुर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बैकआउट। तो इसका मतलब ब्रेक अ प्रॉमिस, प्रॉमिस को तोड़ना। अच्छा आगे देखिए ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि ब्रेक द साइलेंस, यानी चुप्पी को तोड़ना। मान लीजिए क्लासरूम के अंदर सारे बच्चे शांत हैं, अब वहां पर कोई बोलने वाला ही नहीं है क्योंकि वहां प्रिंसिपल मैम आ चुकी हैं। तो ऐसे केस में अगर आपने वहां पर बोला कि सर मुझे कुछ पूछना है, आपने अपने क्वेश्चन को सामने रखा, तो वहां पर जो शांति शांति छाई हुई थी उसको आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। चल नेक्स्ट देखिए बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब होता है बाई ऑल मीन्स, यानी हर तरीके से जो भी संभावित तरीके होते हैं उन सारे तरीके से, तो उसको बोलते हैं बाई हुक और बाई क्रूक। अब देखिए जब भी कभी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम पर जितने भी पॉलिटिक्स राजनेता होते हैं वो बाई हुक और बाई क्रूक हर तरह के षड्यंत्र अपनाते हैं ताकि वो उस इलेक्शन के अंदर जीत सकें, तो उसको बोलते हैं बाई हुक और बाई क्रूक। नेक्स्ट टू हैंग फायर, टू हैंग फायर का मतलब होता है टू हेजिटेट, हैंग फायर है ना, जैसे यू आर हैंगिंग फायर, आई एम हैंगिंग फायर, आई हैंग्ड फायर, तो इसका मतलब होता है हेजिटेट, यानी हेजिटेट होना, न बोल पाना, एक तरह से नर्वस फील करना। नेक्स्ट ए बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ए जनरल स्टडी और व्यू, कोई किसी भी चीज़ के बारे में जनरल स्टडी, सामान्य जानकारी, या फिर आपका जो व्यू है देखने का नज़रिया, तो उसको बोलते हैं ए बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट देखिए टू क्राई फॉर द मून, ये देखो ये तो कम से कम मैंने तीन पेपर्स के अंदर देखा था कि टू क्राई फॉर द मून अलग अलग ईयर्स में पूछा गया था, तीन एग्जाम्स में पूछा गया था, ये मैं बता देता हूँ आपको। एक तो पूछा गया था एसएससी में, ये पूछा गया था, उसके बाद एमपी पुलिस में पूछा गया था ये, और एक बैंक पीओ है ना, बैंक पीओ के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो तीन तीन एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया था, इसको ध्यान रखिए, टू क्राई फॉर द मून यानी टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, यानी ऐसी चाहत रखना जो कि इम्पॉसिबल है। अगर मान लीजिए आप जिस चाहत, बहुत इम्पॉसिबल होता है ना, अगर मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा और ये कहे कि मैं मुझे अगले दिन, अभी वो 10 साल का है और वो चाहता है कि मैं अगले दिन 20 साल का हो जाऊं, तो क्या वो हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल विश है ना, चाहत भी कैसी है, इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए अ फेयर वेदर फ्रेंड, ये भी दो एग्जाम्स के पूछा गया था। ए फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है, ए सेल्फिश फ्रेंड, ऐसा दोस्त सिर्फ जो वेदर का कहते ना मौसमी दोस्त होते हैं, जो वेदर में ही आपके दोस्त होते हैं, अगर वेदर अच्छा है तो आपके दोस्त होंगे, नहीं वेदर अच्छा है मतलब दोस्त नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास सारे दोस्त आपसे मिलने आ जाएंगे, लेकिन ये जब से पैसा खत्म मतलब दोस्ती खत्म, तो सिर्फ अपने काम के लिए दोस्ती की है तो उसको बोलते हैं ए सेल्फिश फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, अच्छा देखो फ्रेंड से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है कि फाइंड, इसको याद रखना, FIEND, फाइंड का मतलब होता है देर इज अ पर्सन हु इज वेरी क्रूअल, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है क्रूअल होना, निर्दयी होना, बहुत ज़्यादा जिसको दया ना आए। मान लीजिए अगर झगड़ा हो रहा है कहीं पर या फिर लड़ाई हो रही है और गलती से सामने वाले का जो उंगली है ना वो आपके मुंह में आ गया, और मुंह में आ गया, आपने क्या किया कि इतने ज़्यादा क्रूअल है कि उंगली आ गई तो सामने वाले के दर्द होगा ना, लेकिन दर्द नहीं देखा आपने और उसको चबा गए,
और चबा के इतना चबा दी उंगली कि उसमें से ब्लड निकलने लग गया, फिर भी आप रुक नहीं रहे, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं क्रूअल यानी फाइंड। नेक्स्ट देखिए, ये तो कैनिवल की तरह बन गया ना, मतलब कैनिवल होता है कि ऐसा इंसान जो इंसानों को, इंसानों के मांस को खाता है। नेक्स्ट, टू गिव अ स्लिप, गिव अ स्लिप का मतलब होता है एस्केप, भाग जाना, मतलब छुप छुप करके भाग जाना, उसको बोलते हैं गिव अ स्लिप, एक स्लिप दे के चले जाना। अब आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिएगा कि कहीं पर आप जा रहे हैं बिना किसी बताए, घर पर किसी को बताया नहीं और आप वहां से चल दिए, एस्केप, घर छोड़ के आप चल दिए, तो उसको बोलते हैं गिव अ स्लिप, राइट ना। अच्छा, इसको और मैं बता देता हूँ, एक और पूछा गया था, अगर आप किसी भी नौकरी से बिना बताए हुए अगर आप चले आते हैं, बिना बताए नौकरी छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्सकाउंटर यानी कि भगोड़ा। लेकिन जैसे आप स्कूल से अगर मान लो आपने छुट्टी कर ली, नहीं गए बीच में से आ गए, तो उसको बोलते हैं बंक। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इसका मतलब था इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहला और सबसे पहला यानी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये भी दो एग्जाम से पूछा गया था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी ए पर्सन सपोज्ड टू नो एवरीथिंग बट मास्टर ऑफ नन, यानी ऐसा इंसान जो अपने दिल के अंदर संपूर्ण ये सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, लेकिन रियलिटी में उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, तो उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी कि ऐसा इंसान जो हर ट्रेड्स के बारे में क्या करता है कि वो सब सारे ट्रेड्स के बारे में जानता है लेकिन जानता कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके यूजेस मैं आपको बता दूंगा। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, की जगह पर। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम यानी एंड टाइम पर। मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो 12 बजे एग्जाम स्टार्ट होना है और आप 11:58 पर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, या फिर 11:59 पर आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम यानी एन वक्त पर। क्या बोलते हैं उसे, है ना, एन वक्त पर, तो उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम यानी जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट, इट्सी बिट्सी, ये आपके एक एग्जाम में पूछा गया था जो कि बैंक पीओ में पूछा गया था, ये मुझे बैंक का नाम याद नहीं लेकिन बैंक पीओ में पूछा गया था कि इट्सी बिट्सी का मतलब क्या होता है। तो देखो, इट्सी बिट्सी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं इट्सी बिट्सी। नेक्स्ट, 9 days wonder यानी 9 दिन, क्या ना, 9 दिन की चांदनी कुछ इस तरह से बोलते हैं, है ना, फिर अंधेरी रात, तो 9 days wonder का मतलब होता है कि ए शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी, किसी इंसान की कुछ समय के लिए ही बाय बाय होना, चारों तरफ उसके चर्चे हैं। जैसे आप मान लीजिए एक बार कोई, आज एक फिल्म आई तो आपने देखा होगा ना कि वो कुछ टाइम जब वो फिल्म रिलीज होती है तभी उसके चारों तरफ क्या होते हैं, 9 दिन ही सिर्फ उसके वॉन्डर चारों तरफ होते हैं, है ना, सब लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो 1 महीना हुआ या फिर 1 साल हो गई तो वो क्या है, उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो चारों तरफ विख्यात है वो फिर थोड़ी कम पड़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं ए 9 days wonder। नेक्स्ट, कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है बिल्ली और कुत्ते, इसका मतलब है कि टू रेन हैविली, बहुत ज्यादा जब घनघोर बारिश होती है तो उसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स, राइट है, इट इज रेनिंग लाइक अ कैट्स एंड डॉग, मतलब ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्ली टपक रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसका मतलब होता है रेन हैविली, बहुत ज्यादा बारिश होना। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, अब इसका मतलब वेरी क्विकली, आपने देखा होगा यदि आपकी जो आई है अगर वो ट्विंकल कब कर दे, ट्विंकल बहुत जल्दी कर देती है ना, पलक झपक जाता है, तो उसका मतलब बहुत जल्दी क्विकली हो जाता है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि वेरी क्विकली, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इट्स मीन वेरी क्विकली। नेक्स्ट देखिए, द थ्री आर्स यानी 3 बार R, इसको बोलते हैं रीडिंग, 3 बार मतलब द 3 आर्स, आर एपोस्ट्रॉफी एस मतलब होता है रीडिंग, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये भी कई भी एग्जाम पे पूछी जा चुकी है, बाकी जो रिमेनिंग है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा, आपके एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं और आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, मैं आपको इसलिए ज्यादा से दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सिर्फ मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, डिपेंड है, तो उनके लिए समझ लो कि टाइम न रहने के बावजूद भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ, आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करिए। थैंक यू सो मच सपोर्ट, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।